हम बात कर रहे थे बिल्डिंग ब्लॉक्स नीडेड टू डेवलप एफिशिएंट सेंसरी प्रोसेसिंग और इंटेग्रेशन की तो उसमें हमने देखा विजुअल सेंस का ऑडिटरी सेंस का देखा हमने गस्टेटरी सेंस का देखा नाउ वी विल सी और सेंस और सेंस इज़ द एबिलिटी टू इंटरप्रेट स्मेल्स कि ये वो सेंस है जिसके ज़रिए बच्चा जो है वो सूंघने की चीज़ें सूंघने के ज़रिए जो है वो डिफरेंट चीज़ों को फील करता है सो इट यूज़ज़ द नोज़ टू रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल मेकअप ऑफ पार्टिकल्स इन द ए एयर टू डिटर्मिन इफ़ द स्मेल इज़ सेफ़ और हार्मफुल कि इसमें अगर बच्चा देखें तो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव स्मेल की इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए अपने नाक का इस्तेमाल करता है और नाक के जरिए वो ये चीज़ को जज करता है किसी भी चीज़ को कि यह उसके लिए सेफ़र है या हार्मफुल है उसके बाद एक और सेंस जिसको क्योंकि हम कहते हैं टेक्टाइल सेंस टेक्टाइल सेंस इज़ द एबिलिटी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन कमिंग इन टू दॉडी बाई द स्किन कि जो कि टच के साथ या दूसरे मैंने छूने के ज़रिए जो छूने की हिस्सा है उसमें किस तरीके से बच्चा जो है इंफॉर्मेशन लेता है और उसके लिए वो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए जिस वो मीडियम को यूज़ करता है या बच्चा या या उसकी इस्तेमाल करता है दैट इज़ स्किन वो आपकी जिल्द होती है सो इट यूज़ज़ रिसेप्टर्स इन द स्किन टू रिसीव टच सेंसेशन लाइक प्रेशर वाइब्रेशन मूवमेंट टेम्परेचर एंड पेन के इन जो दर्द की कैफियत है या उसकी वाइब्रेशन की कैफियत है हरकत की कैफियत है या कोई दबाव जो है तो ये वाली ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो बच्चा जो है अपनी स्किन का जो है उसका इस्तेमाल जो है उसका होता है सो इट इज़ द फस्ट सेंस टू डिवेल्प इन दाम कि अगर हम देखें कि बच्चे में ये वाली चीज़ या ये वाली सेंस किस वक्त डिवेल्प होती है तो ये माँ के पेट में ही उसमें ये वाली चीज़ जो है वो डिवेल्प होनी शुरू हो जाती है एंड एज सच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल न्यूरल ऑर्गनाइजेशन और ये चीज़ जो है वो ओवरऑल अगर हम बात करें हमारे तमाम मसवी निज़ाम के लिए इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट या दूसरे महीनों में न्यूरल सिस्टम जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करता है इसके अलावा एक प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस है प्रोप्रायप्टिव सेंस की अगर बात करें तो इट इज़ द एबिलिटी टू तो इंटरप्रेट वेयर योर बॉडी पार्ट्स आर इन रिलेशन टू तो ईच अदर कि हमारे जिसम के मुख्तु हिस्से अपने दूसरे हिस्सों के मुताबिक कहाँ पर हैं इसके लिए हम वर्ड प्रोप्रायोसेपशन का या प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस का यूज़ करते हैं सो इट यूज़ज़ इंफॉर्मेशन फ्राम नर्व्स एंड शीट्स टू

वो हम प्रोप्रायोसेपशन के ज़रिए लेते हैं तो प्रोप्रायोसेप्टिव सिस्टम या प्रोप्रायसेप्टिव सेंसेस जो होती हैं वो इसमें काम करती हैं उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेस्टिब्यूलर सेंस वेस्टिब्यूलर सेंस की अगर बात करें तो इट इज़ द एबिलिटी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मूवमेंट एंड बैलेंस कि जब भी कोई हम हरकत करते हैं या अपना तोज़न जिस तरीके से हमने बरकरार रखना है तो उसके लिए जो हमारी सेंस यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड वेस्टिबुलर सेंस और वेस्टिबुलर सेंस की अगर हम बात करें तो हमने पहले कहा कि हियरिंग में हमारे ईयर की फर्स्ट टू लेयर्स यूज़ होती हैं आउटर एंड मिडल जबकि वेस्टिबुलर सेंस के लिए हम कहते हैं थर्ड जो इनर लेयर होती है वो यूज़ होती है सो द वेस्टिबुलर सिस्टम यूज़ द सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन द इनर ईयर टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट चेंज ऑफ डायरेक्शन चेंज ऑफ हेड पोजिशन एंड ग्रेविटेशनल पुल तो ये इन तमाम चीज़ों के लिए हमारी जो इनर लेयर होती है या थर्ड लेर ऑफ़ ईयर जो होती है वो वर्किंग करती है जो कि वेस्टिवलर सिस्टम को या वेस्टिवलर सेंस को हमारे काम में लेके आती है सो इट रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ फास्ट और स्लो वी आर मूविंग बैलेंस मूवमेंट फ्राम दैक आइज़ एंड बॉडी बॉडी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस कि हमने किस तरीके से मूव करना है किसी भी तरह किसी भी हालात में और किसी भी तरीके की पोजीशन में तो उसके लिए अपना तवाज़न बरकरार रखते हुए अपनी मूवमेंट को सही करने के लिए हम वेस्टिबुलर सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और वेस्टिबुलर सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व होता है